अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जैस्मी कॉइन और MBL कॉइन के बारे में। पहले बात करेंगे हम जैस्मी के बारे में, जिसने रिसेंटली अपना प्राइस पूल का जो सिस्टम है वो ऑन किया था, और उसके बाद आज हमें उसके प्राइस में एक माइनर सा बूस्ट देखने को मिल रहा है, और यही इसके लिए मार्केट में इस वक्त चाम की वजह बन रही है। क्या इसमें हमें इस वक्त एंट्री लेनी चाहिए? और इस वक्त क्योंकि MBL कॉइन के होल्डर भी उसे लेकर के हमें स्ट्रक दिखाई दे रहे हैं, तो जल्द ही MBL कॉइन में आने वाला है एक बड़ा ही ज़बरदस्त बूस्ट, इसके ऊपर भी हम आगे चल करके बात करेंगे। प्राइस प्रेडिक्शन के साथ साथ दोस्तों हम आपसे शेयर करेंगे इन दोनों पॉइंट्स के प्राइस एनालिसिस भी। आपने क्या करना है, वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए हमारे सब्जेक्ट को समझना है। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन और हमारे चैनल के ऑल के बटन के साथ साथ। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जैस्मी कॉइन के बारे में। रिसेंटली जब इसका प्राइस पूल स्टार्ट हुआ, तो आज से एक हफ्ता पहले हमने आपको कम्प्लीटली इसके ऊपर एक वीडियो बना करके प्रोवाइड की, और उस वक्त ये हमें 0163 के करीब देखने को मिल रहा था, और आज ये 0263 पर आ चुका है। तो दोस्तों, इसका प्राइस पूल का जो सिस्टम था वो हो गया है ख़त्म, और यहाँ तक अभी हमें इसमें सिर्फ जो मैक्सिमम बूस्ट देखने को मिल रहा है वो है 0282 का। अब यहाँ पर कई दोस्तों को उम्मीद थी दोस्तों कि जिनकी बाइंग इसको 05 को लेकर के है, 07 और 09 को लेकर, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है कि क्या अब ये कॉइन इस वक्त उनके जो बताए हुए या उनकी ओल्ड बाइंग को रिकवर कर सकेगा। तो दोस्तों, इस प्राइस पूल में तो जैस्मी का जो मैक्सिमम हाई लगा वो यही है, और ये रिकवर करेगा कि नहीं, इसके लिए हमें लाजमी बात है इसके अंदर आती हुई कैपिटलाइजेशन को लाजम फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ तक कि इतने बड़े प्राइस पूल के बाद इसमें उस लेवल की कैपिटलाइजेशन आती हुई हमें दिखाई नहीं दी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अब क्योंकि नए यूज़र इसको बूस्ट करता हुआ देख रहे हैं, 30% 40% 7% का हाई लगा हुआ देखकर, तो उनका उसमें एंट्री लेने को दिल करता है। लेकिन इसकी एंट्री दोस्तों कहाँ पे होगी, ये इसका जिक्र हम इसके चार्ट की तरफ जा कर के करेंगे। तो दोस्तों, हमने जैस्मी कॉइन का जो इसका रिसेंटली वीक का जो चार्ट है वो ओपन कर लिया है। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जब मार्केट में इसका प्राइस पूल स्टार्ट होता है तो इसके लास्ट वीक के जो प्राइस हमें देखने को मिल रहे हैं वो मिनिमम 0160-63 के करीब था, और अब ये मार्केट में इसी प्राइस पूल की वजह से ये हमें आज अपने एक नई प्राइस पे देखने को मिल रहा है, जहां पर आकर के अक्सर कई दोस्तों का दिल करता है कि इसमें एंट्री ले ली जाए, क्या ये यहां से ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा? तो दोस्तों, मैं समझता हूं नहीं। अभी न्यू एंट्री करने वाले को, यानी कि बिगनर को, या जो भी अगर आप बिलफर्ज आपका एक्सपीरियंस ओल्ड भी है, तो मैं नहीं समझता कि आपको मार्केट की अभी सूरत हाल के अकॉर्डिंग जैस्मी में अभी एंट्री लेनी चाहिए। यह बहुत जल्द अपनी पुरानी पोजिशन पर आ जाएगा 0183-0163, तब आप इसमें एक मरतबा फिर से एंट्री लेकर के अर्निंग कर सकते हैं। देन अदरवाइज ओल्ड होल्डर को भी मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह क्रिप्टो में एक हमेशा प्रैक्टिकली एक थ्योरी मानी जाती है कि जब आप कहीं भी किसी कॉइन में स्ट्रक हो जाते हैं तो आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ता है, नहीं आपके पास एक ही फिर रास्ता रह जाता है कि आप उसे सेल करें और लॉस पे उससे बाहर निकल आएँ। अब बात करते हैं आगे चल कर के दोस्तों के, इस वक्त अगर हम इसके ट्विटर अकाउंट पर जाते हैं सोशल पे, तो सोशल में इसकी हमें कोई किसी किस्म की कोई अब मजीद अपडेट आती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि रिसेंटली ये अपना प्राइस पूल जो है कंप्लीट करके बैठे हैं, और मैं नहीं समझता कि जैस्मी कॉइन को अभी फ़िलहाल किसी किस्म की भी आपको तरजीह देनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये Web3O का प्रोजेक्ट है, और बाइंग दोस्तों अगर आपकी यहाँ पर अच्छी नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि ये कॉइन आपको भी उसी तरह ही अपने अंदर स्ट्रक कर सकता है जिस तरह रिसेंटली ओल्ड जैस्मी होल्डर इसमें स्ट्रक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी रिकवरी 100% है, मार्केट में कैपिटलाइजेशन बढ़ती है या यहाँ पर BTC रिकवर करता है तो इसके प्राइस में डेफिनेटली आपको एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी मार्केट आज कल जो है वो 40 और 42,000 के दरमियान स्ट्रक दिखाई दे रही है, और उसके अंदर एक मजबूती या पायदारी देखने को नहीं मिल रही। जैसे ही मार्केट 45 का हाई लगाती है तो जैस्मी कॉइन भी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस इन्हीं दिनों में देखने को मिल सकता है। तो लिहाजा एंट्री अपने जेन में मिनिमम भी आप रखना चाहते हैं तो 02 की एंट्री जेन में रखिएगा। अब बढ़ते हैं जल्दी से MBL कॉइन की तरफ।
साहब बात कर लेते हैं एमबीएल क्वाइन के बारे में। रिसेंटली यानी कि करीब 8 दिन पहले भी मैंने इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट अपडेट दी थी, और अब क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमें ईमेल्स मौसूल हुई हैं, ऑब्वियसली आप सब दोस्त जो ईमेल कर रहे हैं इस वक्त एमबीएल में स्ट्रक होंगे, तो आपको उसकी अपडेट के लिए हमें फिर से इसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई। तो बात करते हैं फिर पिछले 7 दिनों की। तो दोस्तों ये 7 दिनों की निस्बत और मजीद डाउन होता दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने जब 7 दिन पहले आपसे वीडियो शेयर की थी तो ये 0112 पे अवेलेबल था और मैंने आपको इसकी बाइंग से मना किया था, और आज ये आप देख रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से ये और ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार हो चुका है। और आप देख सकते हैं इसका चार्ट मैंने 7 दिन का ओपन कर रखा है कि ये 0096 का लो लगा करके अब रिकवर करके 0100 पे आया है, यानी कि इसने अपनी एक फिगर कंप्लीट की है, नहीं तो ये एक तीसरे जीरो में एंटर होने जा रहा था। रही बात दोस्तों इसके सोशल की, तो सोशल पे इसकी कोई भी इस वक्त अपडेट दिखाई नहीं दे रही। और अभी बात करें अगर इसकी एंट्री की दोस्तों, तो इसमें एंट्री अभी भी मैं आपको मना ही करूंगा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम हमारी वीडियो में इसमें एंट्री लेने से मैंने आपको मना किया था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वाइज दोस्तों इसको सिर्फ इसी बात की अस्तचना हासिल है या एडवांटेज हासिल है कि ये बायनांस जैसी एप्लीकेशन के ऊपर जो कि है लिस्ट हो चुका है, और लिस्ट होने के दिनों में ही इसने जो हमें बूस्ट दिखाया सो दिखाया। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अपने सोशल पे भी कोई ख़ास वही फजूल सी बातें कि 30 मिनट बाय डे द ओल्ड वाचिंग टीवी ऑल डे एक्सपेक्ट, ऐसी फजूल सी बातें और ख़बरें चल रही हैं, कोई इनका प्राइस पूल या किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं चल रही। लिहाजा ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रलाइज मूवी कैचिंग का, यानी कि मूवी इंस्ट्रूमेंट का, मूवी बनाने से रिलेटेड हर चीज़ का। तो जाहिर बात है आगे आने वाले वक्तों में हर चीज़ ने डिसेंट्रलाइज हो करके ऑनलाइन इंटरनेट मेटावर्स की तरफ ही जाना है, Web3O की तरफ ही जाना है, तो ये उसी से जुड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ ये बात कंफर्म है, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कही थी कि ये एक स्ट्रॉन्गर प्रोजेक्ट है, और आप देख सकते हैं आपसे बात करते करते ही वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, वो 0001 से वो 00 में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि पहले इसको अच्छी तरह ब्रेक हो लेने दें, जब ये एक जगह पर जाकर अपनी सपोर्ट बना लेगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं ही आपको ये कॉइन रिकमेंड करूंगा बाइंग करने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए अर्निंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। अब बात करते हैं जिन दोस्तों ने पहले से ही इसकी बाइंग कर रखी है उनके लिए क्या मशवरा है। तो दोस्तों मेरी अगर चैनल पे आप काफ़ी मुद्दत से मौजूद हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कभी भी ये बात नहीं कही कि आप अब फौरन इससे हाथ धोकर इससे निकल आएँ। यकीनन ये कॉइन उन दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है जिन्होंने पहले की बाइंग की हुई है, उनकी रिकवरी होगी तो उनका एक किस्म का ये भी बेनिफिट होगा कि चलें अभी इस वक्त जो पैसा डूब रहा है वो बच जाएगा, और BTC की रिकवरी इसके ऊपर वैल्यूएबल होगी। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अक्सर दोस्त सोचेंगे कि अगर उनको फ़ायदा होगा तो हम क्यों एंट्री नहीं ले सकते। तो दोस्तों आपका डूबते हुए शिप में एंट्री लेना एक बेवकूफ़ी है, ये उनके लिए सोच बदल जाती है जिनकी पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है, और वो जो इसमें एंट्री लेना चाहता है उसके लिए इसकी सोच बिल्कुल अलहदा है। तो मैं समझता हूं अगर आप मेरी ये राय जानना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, तो दोस्तों प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। अक्सर औकात लो लेवल पे ही बाइनांस में आपको किसी ना किसी दिन इसके अंदर बूस्ट देखने को मिल रहा होता है, तो मैं कहता हूं कि बूस्ट लेते हुए इसमें कभी एंट्री ना लें। इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी डिमांड के लिए जिस पे आपको लगे कि आप स्ट्रक हैं, आप उस कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और जब हमारे पास उसकी अच्छी खासी डिमांड्स मौजूद हो जाएंगी, यानी कि समझ लें कि ट्रेंड बन जाएगा, तो हम उसके ऊपर आपके ऊपर ज़रूर वीडियो आपके लिए शेयर करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।